बारह लठैत जिनके हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां, जो गुस्से से नफरत से भरे हुए किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार, गाली गलौज से पूरी तरह से सराबोर और सामने एक डबल डॉक्टरेट किया हुआ एक सभ्य पुरुष 26 साल का लड़का। वो 26 साल का लड़का जो उस रियासत का एक बहुत बड़ा अधिकारी, आज के समय में अगर आप देखेंगे या समझेंगे तो जैसे डिफेंस का सेक्रेटरी या जो फाइनेंस का सेक्रेटरी होता है या होम सेक्रेटरी, इस रैंक का आदमी एक स्टेट के लिए। और बारह के बारह जो लोग हैं उनमें किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर नहीं, गुस्से उनके चेहरे तमतमाए हुए। और ये सीन वो लड़का 18 साल बाद लिखता है और कहता है कि आज भी ऐसा का ऐसा ये सीन मेरे, ये दृश्य, ये पिक्चर, ये जो मंजर है मेरी आंखों के सामने है कि किस तरह से उन लोगों ने मुझे पेश आए और किस तरह से उन्होंने मुझे बदतमीजी की। मगर वो जो लड़का था इतना समझदार था, इतना बुद्धि का तेज था, इतना कुशाग्र था, वो जानता था कि कैसे स्थितियों से निपटना है। बारह लठैत लोग लेके, लाठी लेके उसके दरवाजे के सामने, जो एक धर्मशाला थी, जो एक इन थी, जो पेड़ थी, जिसमें उन्होंने उस कमरे का, जो कमरा स्टोर था उस कमरे का, उस समय 1.5 रुपया रहने और खाने का रोज दिया, जबकि उस कमरे की कुल कीमत 10 रुपये भी नहीं थी। 150 रुपये उस लड़के को मिलते थे और 150 रुपये में 45 रुपये महीने का रहने खाने का खर्चा। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट के हिसाब से वो कितना भारी रेंट या लॉजिंग और बोर्डिंग का, रहने खाने का पैसा दे रहे थे किसी खास मजबूरी के कारण। मगर बारह लठैत देख के भी वो लड़का डरा नहीं, निडर रहा। समय को समझते हुए उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उन लोगों ने कहा कि ये जो स्टोर जैसा गंदा कमरा जिसके अंदर चूहे और बिल्ली और चमगादड़ रहते हैं, इसको अभी खाली कर दे। सारे के सारे वहाँ इसी बात पे आमादा थे। एक हफ्ते की उस लड़के ने मोहलत मांगी कि एक हफ्ते बाद मैं छोड़ दूंगा, एक हफ्ते में कोई और इंतजाम कर लूँगा, मगर उन्होंने सिर्फ शाम तक की मोहलत दी। वडोदरा से जो मुंबई की गाड़ी थी वापसी की, रात के 9 बजे की थी। और वाकया है सुबह का, जब वो अपने कपड़े पहन के अच्छी तरह से नहा धो के और ऑफिस जाने के लिए, यानी बड़ोदरा स्टेट जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होके निकल रहे थे। उस लड़के की समझदारी इतनी जबरदस्त है कि उसने एक शब्द नहीं बोला, सारा मंजर समझा और परिस्थिति को आंका। 5 साल तक अमेरिका और लंदन में रहने के बाद आदमी ये भूल जाता है कि कहीं छुआछूत भी है या कहीं मनुष्य को जानवर भी बना के रखा गया है। अपने देश में जब वो आता है तो 5 साल का जो असर है वो थोड़ा समय लगता है जाने में। बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी और इस रियासत में इतने ऊंचे ओहदे पे, इतनी ऊंची पोस्ट पे पढ़ने के बाद या रहने के बाद या काम करने के बाद भी मेरे साथ में जानवरों जैसा व्यवहार होगा, और वो भी वह लोग करेंगे जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, जो गवार हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, जिन्हें ना देश का पता है ना दुनिया का पता है, कूप पंडूक हैं, एक कुएं के मेंढक हैं, दुनिया देखी नहीं। एक साथ वो जमीन पे आ गए और उनको स्थिति का आभास हो गया, मगर उन्होंने कोई भी असंवैधानिक कदम नहीं उठाया। वो जानते थे कि चीज़ें कैसे लड़ी जाती हैं, वो जानते थे कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वो जानते थे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। शाम तक की मोहलत लेने के बाद उनके साथ जो अमेरिका और लंदन में उनके दोस्त थे उनसे उन्होंने संपर्क किया, क्योंकि सयाजी राव गायकवाड़ जी ने काफ़ी लोगों को सरकारी खर्चे से पढ़ने के लिए, छात्रवृत्ति से पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। उनमें जो दो लोग उनके साथ थे उनको भी उन्होंने संपर्क किया, मगर दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। जो रियासत के दीवान थे उनसे कहा गया कि सरकारी क्वार्टर दिया जाए, उनके दीवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। यहाँ तक कि सयाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश महाराज थे, उन्होंने भी कोई भी मदद करने में असमर्थता जताई।
बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं महाराजा बड़ौदा, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए शिक्षा खोली और उन्होंने वो जो सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो रूढ़ी और परंपरा चली थी उसको तोड़ा। बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया और समानता का और समता का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया वो पूरे इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। बाबा साहब के साथ में उन लोगों ने जिन्होंने उनके लिए अच्छे काम किए, सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए, समाज के लिए अच्छे काम किए, वो अमर हो गए और अमर रहेंगे। मगर वो जो 12 लोग थे जो बेवकूफ़ और जो अनजान थे, जो पारसी धर्मशाला के या पारसी जो इन थी, जो सराय थी उसके, वो अपने आप को मालिक या सर्वे सर्वा या जो भी उनका कुछ रहा होगा उसके हिसाब से जो उन्होंने व्यवहार किया, उस व्यवहार ने बाबा साहब अंबेडकर को तोड़ने की कोशिश तो की, मगर लोग जो समझदार होते हैं वो टूटते नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर एक क्षण के लिए तो कमज़ोर पड़े मगर अगले ही क्षण वो समझ गए और ये समझ में आ गया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी ट्रेन में जाने में काफ़ी समय था मगर वो लौट कर उस धर्मशाला में या उस सराय में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 4 घंटे तक जो कामाटी बाग था वहाँ बिताए, क्योंकि चारों तरफ से उन्होंने देखा कि कहीं कोई मदद नहीं है। तो सयाजी राव जो नरेश थे उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें। 10 साल का अनुबंध था, 10 साल का जो पूरा एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपको पढ़ने के लिए जो पैसे दिए जाए या जो आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में या जो लंदन में इकोनॉमिक्स स्कूल में जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बदले में आपको 10 साल रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, वहाँ सर्विस करनी पड़ेगी, वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी और उसकी तनख्वाह भी मिलेगी। मगर चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी थी और महाराजा भी इसमें मजबूर हो गए, अनंत महाराजा ने भी उनको ऋणमुक्त कर दिया और ऋणमुक्त होने के बाद वो 4 घंटे तक कामाटी बाग में बैठ के चिंतन करते रहे। उन 12 लोगों का शुक्रिया अदा करता है पूरा भारत जिन्होंने बाबा साहब को लठ लेके उनके सीने पर खड़े रहे और उनको डराने की और धमकाने की कोशिश की। मगर कुछ लोग या ये कहें कि मूल निवासी लोग इतने अकलमंद और समझदार हैं कि ना वो डरते हैं ना वो धमकते हैं, वो परिस्थिति देखते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव पावर होती हैं उसको वो पॉजिटिव पावर में, उसको वो ताकत बनाने में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं और उसको कर लेते हैं। बाबा साहब ने सारी नेगेटिव पावर से इकट्ठी की और उनको पॉजिटिव पावर में बदल दिया। जितनी भी कड़वाहट थी, जितनी भी ईर्ष्या, जितने भी अपमान थे उन सबको इकट्ठा किया और उस सारी पूंजी को अपने पास रख के उसको एक चिंगारी में, एक आग में, एक सूरज में बदल दिया। उन्होंने जाने का फैसला किया। 8 बजे वो वहाँ से उठे कामाटी बाग से एक संकल्प के साथ में। बहुत लोगों ने संकल्प किए हैं जो मूल निवासी हैं। भगवान बुद्ध का जो संकल्प है वो बड़ा ज़बरदस्त है। कहते हैं कि जब तक नहीं उठूंगा, जब तक ये पता नहीं कर लूँगा कि मनुष्य का शरीर, मन कैसे काम करता है, यानी ह्यूमन सॉफ्टवेयर और ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सॉफ्टवेयर और ह्यूमन हार्डवेयर, ये शरीर और ये मन कैसे काम करता है, चाहे शरीर की खाल सूख जाए, चाहे हड्डी हड्डी अलग हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए। और वो सफल भी हुए। सम्राट अशोक ने जब अधिष्ठान किया, जब संकल्प किया, जब अधिष्ठान किया कि आज के बाद भारत के अपने लोगों पे हथियार नहीं उठाऊंगा, बाहर का कोई हमला होगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं, हथियार रखा नहीं। लोगों ने प्रचारित किया कि सम्राट अशोक ने हथियार रख दिए, अगर हथियार रख दिए होते तो विदेशी लोग कब्जा कर चुके होते उसी समय, मगर सीमाएं सुरक्षित थीं और देश ईरान से लेकर बर्मा तक था। अपने लोगों को नहीं मारूंगा, ऐसा अधिष्ठान किया, ऐसा अधिष्ठान किया, ऐसा संकल्प किया। बाबा साहब ने संकल्प किया कि आज के बाद जितनी भी ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ घटित हैं वो किसी के साथ ना घटें, और वो संकल्प उन्होंने जीते जी पूरा किया। आदमी को जानवर से फिर मनुष्य और फिर देवता बना दिया उन्होंने। आज लाखों लोग उनकी कृपा से, उनके संकल्प की बदौलत एक बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं और आगे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ज्योतिराव फूले जो उनके गुरु थे, उन्होंने बारात में पिटने के बाद संकल्प किया शिवाजी महाराज की स्टैचू पे जो समाधि है उसके पास जाकर, हर बच्चे को पढ़ाऊंगा, हर औरत को पढ़ाऊंगा, हर लड़की को पढ़ाऊंगा, और अपनी पत्नी को पढ़ाया, लड़कियों के स्कूल खोले। शिक्षा की जो मसाला उन्होंने जलाई वो बाबा साहब अम्बेडकर तक भी पहुँची।
और बाबा साहब अम्बेडकर उसी चिंगारी उसी मसाल से निकल के सूरज बने। ये जो संकल्प हैं, ये संकल्प बहुत लोगों ने लिए हैं। कांशीराम जी का संकल्प है, घर नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, कोई घर नहीं है, अब समाज ही घर है, दिन रात काम करूंगा और आज समाज यहाँ खड़ा हुआ है। ये संकल्प हैं, ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है, ये रिजोल्यूशन है जो बहुत आगे समाज को लेकर जाते हैं और बहुत आगे लोगों को लेकर जाते हैं। बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कांशीराम जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, बुद्ध ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सम्राट अशोक ने अपने लिए कुछ नहीं किया, उनके नाम भी नहीं है, उनकी औलादों के भी नाम नहीं है, सब खत्म है। मगर जो समाज में आज एक एक दिल में वो रहते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी समाज ने जो उनको रिटर्न दी है इस संकल्प के कारण। ये अधिष्ठान दिवस यानी जो अधिष्ठान दिवस है, ये 23 सितंबर को आता है हर साल। 23 सितंबर को जो कामाठी बाग है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। आपको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि संकल्प में कितनी ताकत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई मायूसी पैदा नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई निगेटिविटी पैदा नहीं की। आजकल के जो बच्चे जरा सी बात हुई नहीं कि आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सिपाही झूल जाता है, कोई लड़का जो स्टूडेंट है आत्महत्या कर लेता है, कोई लड़की है जो डॉक्टर है और आत्महत्या कर लेती है, जरा सी परेशानी आई और सीधे आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से समाज के अंदर एक निगेटिव लहर, एक शोक की लहर, एक मायूसी की लहर, एक अवसाद की लहर, एक डिप्रेशन की लहर चली जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर से समझना चाहिए, ज्योतिबा फुले से समझना चाहिए, गौतम बुद्ध से समझना चाहिए, सम्राट अशोक से समझना चाहिए, कितनी सारी चीज़ों से वो फाइट करे, और जितना फाइट करे, जितनी लड़ाई लड़ी, उतने मजबूत होकर उतने बड़े होकर निकले। आज स्थिति ये है कि बाबा साहब शरीर से नहीं है, मगर उनके सिद्धांतों में वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग उनकी स्टैचू से भी डरते हैं। कहीं अगर स्टैचू बाबा साहब की लगी हो तो लोग कांपना शुरू कर देते हैं, डर के निकलते हैं वहाँ से, और जो पागल हो जाते हैं वो तो तोड़ देते हैं। मूर्तियों में इतनी दहशत है, इसलिए कोई भी ऐसा हरकत ना करें जिससे कि समाज में नेगेटिव चीज़ घूमे। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प को देखिए, 12 लठैत लोग उनके साथ थे, उन्होंने किताबें उठाई, उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने जानकारी उठाई, और हजारों लोगों ने उनसे खुशामद करी कि आप संविधान बना दीजिए। दुनिया में उनको बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व बुद्ध के बाद की डिग्री आती है, बोधिसत्व बहुत बड़ी उपाधि है, बोधिसत्व इतनी आसानी से नहीं हो सकता कोई, उनको बोधिसत्व कहते हैं, उनको बाबा साहब कहते हैं, सबके बाबा हैं वो। बाबा सबसे बड़े होते हैं परिवार के अंदर, क्या चाचा क्या ताऊ सबसे बड़े बाबा होते हैं, लोग उनको बाबा कहते हैं। देर सवेर सारी दुनिया ने उनको माना, जो नहीं मानते हैं वो डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने बताई है वो सबके फायदे के लिए है। उनको घबराहट होती है कि हमारे फायदे चले जाएंगे अगर हमने अम्बेडकर की बात को माना। आने वाली पीढ़ियों में सभी तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, सब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए लालायित हैं। देखें क्या है, वो जो 26 साल 5 महीने का जो बच्चा था जिसको 12 लठैत लेके खड़े हुए थे, आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा उससे डर से निकलने के बाद कितना बड़ा हो गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए। अगर डर जाते बाबा साहब तो आज आप यहाँ नहीं होते, अगर डर जाते बाबा साहब, घबरा जाते बाबा साहब तो आज भारत का ये रूप रंग नहीं होता, अगर डर जाते बाबा साहब तो आज जो दुनिया में इतनी सारी क्रांति और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी स्पीड बड़ी कम होती। भारत ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, भारत के महान पुरुषों में बाबा साहब को इसलिए महानतम पुरुष कहते हैं, इसलिए विश्व रत्न कहते हैं, इसलिए बोधिसत्व कहते हैं कि उन्होंने उन परिस्थितियों में भी जीना सिखाया और पॉजिटिव बना सिखाया जहां आदमी सोच के भी कांप जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद रखिए, जब भी आपको ये लगे कि आज कुछ ऐसी मुसीबत है कि जिससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो दिन याद कीजिए। लिखते हैं कि 18 साल बाद भी वो दिन मेरी आंखों के सामने हैं जब वो 12 लोग लाठी लेके मेरे दरवाजे पर खड़े हुए थे। आज भी वो जो दृश्य फेड नहीं हुआ है, वो धुंधला नहीं हुआ है, वो ऐसा का ऐसा ही है, और उस दृश्य को उन्होंने ताकत बना दिया, ऐसी ताकत कि आज उनकी उंगली को देख के डरते हैं, घबराते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, नाम लेने से डरते हैं उनका। इसलिए संकल्प कीजिए कि भारत को एक बहुत जबरदस्त राष्ट्र बनाना है, संकल्प कीजिए कि डरना नहीं है, संकल्प कीजिए कि आपको पढ़ना है, संकल्प कीजिए कि किसी भी नेगेटिव चीज को आपको पॉजिटिव में बदल देना है, संकल्प कीजिए कि किसी भी मुसीबत वाली चीज को संविधान के रूप में डाल के आपने पढ़ाई लिखाई के रूप में पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, भारत का बेड़ा पार हो जाएगा,
दुनिया में भारत का नाम हो जाएगा। धन्यवाद।